आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोपिया की। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम जानेंगे फार्माकोपिया क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या कैसे आप सर्च कर सकते हैं। तो सर, इसी के बारे में हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे अपने फार्माकोपिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले, तो इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड को। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फार्माकोपिया की। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखें, बिना स्किप किए इसको पूरा देखें और ध्यान से सुने। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं फार्माकोपिया के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फार्माकोपिया होता है वो क्या है, जैसे आप इंटरनेट पे आप यूज़ करते हो, इंसाइक्लोपीडिया यूज़ करते हो, आप विकिपीडिया यूज़ करते हो, तो फ्रेंड्स ऐसे ही जो हमारी फार्मेसी फील्ड है उसमें क्या होता है, हमारा एक फार्माकोपिया होता है। तो फ्रेंड्स, उस फार्माकोपिया में क्या होता है हमारा, जैसे आप कोई भी फॉर्मेशन करने जा रहे हो या आप कुछ भी बनाने जा रहे हो, किसी की स्टेबिलिटी चेक करनी है, किसी की आपको कुछ भी बोन चेक करना है, कोई एनालिसिस में कुछ उसकी सिंथेसिस देखनी है, तो फ्रेंड वो सभी जो हमारी ए टू जेड जो डिटेल होती है हमारी फार्मेसी की, वो कहाँ मिलती है हमको, वो हमारे फार्माकोपिया में मिलती है। तो फ्रेंड्स, फार्माकोपिया का यही काम है, जैसे आप कुछ भी नेट पे सर्च करते हो एनसाइक्लोपीडिया में या विकिपीडिया में, तो ऐसे ही अगर आपको फार्मेसी से रिलेटेड कुछ सर्च करना है तो आप कहाँ भी जा सकते हो, आप जा सकते हो हमारे फार्माकोपिया में। तो फ्रेंड्स, इसको हम बात करते हैं फार्माकोपिया की। तो ये फ्रेंड जो हमारा फार्माकोपिया है, ये कब मतलब कब इसका फर्स्ट एडिशन आया, ये बात करते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड, जो हमारा फार्माकोपिया था, जब हमारा फार्माकोपिया नहीं था, उससे पहले हम प्रेफर करते थे इसको ब्रिटिश फार्माकोपिया को। ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार ही हम अपनी ड्रग का फॉर्मेशन करते थे और उसके अनुसार ही हम चलते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है, इंडिया है, उसने क्या किया, उसने कुछ सोचा कि भाई अपना कुछ होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए इसके डिसीजन किया उसने कि हम अपना ही फार्माकोपिया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको जो हमारी बैठक है, इसकी बैठक बुलाई गई 1944 में, क्या कि 1944 में एक बैठक बुलाई गई जिसके अध्यक्ष थे हमारे कर्नल आर एन चोपड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें क्या डिसीजन लिया गया कि हमें क्या है, पैक फार्माकोपिया बनाना है। तो फ्रेंड, उसको 1944 के बाद फिर जो हमारा फर्स्ट एडिशन आया, वो आया था हमारा कब, 1955 में। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट फार्माकोपिया था वो कब आया था, जो हमारा फर्स्ट एडिशन था हमारा, तो वो आया था फ्रेंड्स हमारा 1955 में। तो फ्रेंड 1955 में हमारा फर्स्ट एडिशन आया था हमारे फार्माकोपिया का। तो फ्रेंड्स, तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा सेकंड एडिशन था, वो हमारा सेकंड एडिशन कब आया, तो सेकंड जो हमारा एडिशन था फ्रेंड्स, वो आया हमारा 1966 में, यानी उससे इतना 10 साल के बाद हमारा क्या सेकंड फार्माकोपिया आया। तो फ्रेंड्स, फिर हमारा जो थर्ड फार्माकोपिया था वो कब आया, जो हमारा थर्ड फार्माकोपिया था फ्रेंड्स, वो आया हमारा 1985 में। ये हमारा थर्ड फार्माकोपिया जो हमारा 1985 में आया। फिर हमारा फोर्थ फार्माकोपिया आया, तो फ्रेंड्स जो हमारा फोर्थ फार्माकोपिया था वो आया हमारा 1996 में। फिर क्या हुआ, जो हमारा फोर्थ था वो कब आया, 1996 में। और जो हमारा फिफ्थ था फ्रेंड्स, वो आया था हमारा कब, वो आया था हमारा 2007 में। और फिर जो हमारा नेक्स्ट आया, नेक्स्ट कब आया, जो हमारा नेक्स्ट सिक्स फार्माकोपिया था फ्रेंड्स, वो आया हमारा कब, वो आया था 2010 में, 2010 में आया फ्रेंड्स। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट का फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं सेवंथ फार्माकोपिया की। सेवंथ फार्माकोपिया जो हमारा आया था वो कब आया था हमारा फ्रेंड्स, वो आया हमारा 2014 में। और जो लास्ट फार्माकोपिया फ्रेंड, जो हमारा लास्ट एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है, उसका नाम जो उसको कहते हैं एट्थ फार्माकोपिया कहते हैं। और वो हमारा एडिशन कब आया, वो हमारा आया, जो हमारा एट्थ एडिशन है फार्माकोपिया का, वो आया हमारा 2018 में। 2018 में हमारा लास्ट फार्माकोपिया आया। तो फ्रेंड, जो हमारा लास्ट फार्माकोपिया है उसका कैसा कलर में है, वो रेड कलर में हमारा कौन सा है, एक फार्माकोपिया है, उसकी जो फोटो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी, उसकी फोटो उसको देख सकते हो आप कैसा है हमारा फार्माकोपिया। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स ये थी हमारे पास फार्माकोपिया की। तो फ्रेंड्स जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा गाजियाबाद में, और जो उसके चेयरमैन है वो है पी एन प्रधान क्या है चेयरमैन है हमारे, इसके जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है उसके चेयरमैन है, और जो मतलब फ्रेंड इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ जानकारी फार्माकोपिया के बारे में, आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए एक सब्सक्राइब एक लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।